दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध में 2600 बीसी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली, जिससे ये पता चला कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं, वैसे ही वे लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के बहुत से लोग उत्साहित हैं। इस पर कई बार खुदाई का काम भी शुरू हुआ और बंद हुआ है। कहा जाए तो अभी सिर्फ एक तिहाई भाग ही खुदाई हुई है। ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकॉन माना जाता है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा है, जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुराने ईंट मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं, जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता भी थी, जो इजिप्ट ग्रीस में थी। ये बात पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा कही गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता 2600 बीसी से 3000 बीसी तक रही थी। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर थे, जो हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, रगीगाड़ थी। मोहनजोदड़ो इन सब में सबसे अग्रिम शहर था। उस समय ये सबसे बड़ा व व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसलिए पुरातात्विक ने इनकी सबसे पहले खोज शुरू की व इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी करी। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था व जिसको अग्रिम ढंग से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो को देखकर ऐसा लगता था कि ये शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था। 1900 बीसी में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तब मोहनजोदड़ो भी मिट गया। इन शहरों में रहने वालों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके इनका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी दीवारें थीं, जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही पता लगाया गया कि कुछ लोग ईंट के घरों में रहते थे, जो 3-3 मंजिल के बने हुए थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे, जिसमें पानी निकास के लिए नालियां भी थीं। दुनिया में पहली नाली का निर्माण यहीं से हुआ। पुरातत्व के अनुसार लोग खेती भी किया करते थे। उन्हें गेहूं चावल उगाना आता था। वे लोग जानवर भी पाला करते थे। 1922 में रखालदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया था। 1922 में रखालदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, उन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया था। उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यहाँ नीचे कुछ इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में करवाया गया।
लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मोहनजोदड़ो की बहुत सी विशेषताएं थी, आइए जानते हैं इन विशेषताओं के बारे में। खोज के दौरान पता चला कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ घटाना मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी वे सब एक ही वजन व साइज की थी, जैसे मानो इसे एक ही सरकार के द्वारा बनवाया गया था। पुरातत्ववेदाओं के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गाने बजाने खेलने कूदने के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे। पुरातत्ववेदाओं को कंघी साबुन व दवाइयां भी मिली थी। उन्होंने कंकालों के दांत का निरीक्षण भी किया था, जिससे पता चला कि उनके नकली दांत भी लगे हुए होते हैं, मतलब प्राचीन सभ्यता में भी डॉक्टर हुआ करते थे। खोजकर्ताओं ने बहुत से धातु के गहने व कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालय में रखे हुए हैं। इनके अलावा बहुत सी चित्रकारी मूर्तियां, सिक्के दिए बर्तन औजार भी मिले थे, जिन्हें देश विदेश के संग्रहालयों में रखा गया है। खोज में ये भी पता चलता है कि ये लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ गए गेहूं को आज भी संभाल कर रखा गया है। कहते हैं प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और तब सब तहस नहस कर दिया। कहते हैं इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ खोज में पता चलता है कि वह समय वहां रहने वालों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। अभी पुरातत्व वाले और खोज में लगे हुए हैं, वे पता कर रहे हैं कि कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहां रहने वालों ने कैसे इतनी अग्रिम सभ्यता का निर्माण किया और कैसे इसका अंत हुआ। इन सब सवालों के जवाब पुरातत्व की खोज में अभी जारी है।